दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, एक मित्र का प्रश्न आया था कि मैं बहुत ही सपोर्टिव नेचर का हूं, लोगों को बहुत मदद करता हूं, हेल्प करता हूं, फिर भी लोग मेरा साथ छोड़ देते हैं, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। दोस्त, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दुनिया आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति आपको खुश करने के लिए नहीं आया, और ना तो आप किसी इंसान को खुश करने के लिए आए। एवरीवन इज मूविंग ऑन हिज वे, हर व्यक्ति अपनी राह पे जा रहा है। हम एक यात्रा पे हैं, और जब यात्रा पे हम जा रहे हैं तो ये संयोग मात्र है कि हम लोग कई लोग साथ हो जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है और मैं जाता हूँ और ट्रेन में रिजर्वेशन लेता हूँ और मैं जाके अपनी बर्थ पे बैठता हूँ। मेरे आसपास 4-5-6 बर्थ हैं, हर बर्थ वाले आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। हम चलना शुरू करते हैं, धीरे 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 हम लोग के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, खाना पीना साथ में होने लगता है, बातचीत करना साथ में होने लगता है, और दोस्त एक रिश्ता बन जाता है। कोई पत्नी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई माँ के रूप में एक रिश्ता बन जाता है। बट दोस्त, हम सब अपनी अपनी यात्रा पे हैं। जिसको इलाहाबाद उतरना है ना, जैसे ही वो इलाहाबाद आएगा वो अपना सामान लेगा और वो उतर जाएगा। जिसको कानपुर उतरना है ना, वो कानपुर उतर जाएगा। तो दोस्त, एक चीज समझने की जरूरत है, ना तो आप किसी के साथ हैं, ना तो कोई आपके साथ है। सोल हैज नो एनी मेट, इस आत्मा का कोई मेट नहीं है, और ये अपनी यात्रा पे है। तो दोस्त, जो लोग आपके साथ हैं, जब तक साथ हैं उनके साथ आनंद लो, अपेक्षाएं मत रखो, ये मत सोचो कि वो आपको खुश करने के लिए कुछ करें, और जब वो साथ छोड़ के जाएं उन्हें धन्यवाद दो, उन पलों को याद करो जिन खूबसूरत पल को आपने उनके साथ बिताया हुआ। दोस्त, मैं यही कहूँगा, आप दुखी या आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग के अंदर उनके व्यवहार की एक प्रोग्रामिंग कर लिया है। आपने सोच लिया है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, जबकि सच तो ये है, ना तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उनके हिसाब का उन्हें चाहिए, और ना तो वो ऐसा कुछ कर रहे हैं करेंगे जो आपके हिसाब का होगा। दोस्त, इस यात्रा पे एंजॉय करते हुए, खुशी होकर के, मस्ती के साथ, आनंद के साथ चलिए। ईश्वर ने बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, इसको जिए। मेरी यही शुभकामना आपके साथ होगी, और मैं कहूँगा कि इन विचारों को आप आत्मसात कीजिए, हो सकता है आपकी परेशानी सॉल्व करने में मैं कुछ मदद कर पाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।